अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईपैड इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद हो कि सब खैरियत होंगे। सर, आज जो आपके लिए कोर्स की इंफॉर्मेशन देख रहे हो जी, ये है ऑटो कैड। अच्छा जी, ऑटो कैड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बताऊंगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसकी कोर्स ड्यूरेशन क्या है, आईपैड इंस्टीट्यूट किस तरीके से फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। सबसे पहले तो बताते चलो कि ऑटो कैड होता क्या है और ऑटो कैड में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ऑटो कैड एक सिविल कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग का एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। जैसे कि अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी ड्राफ्टमैन की जॉब पे जाना चाहते हैं, या आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के अंदर जाना चाहते हैं, या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, या लाइक आर्किटेक्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आजकल देखें जिस तरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, और आज से भी काफी टाइम से है ये, तो ऑटो कैड इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप स्टूडेंट्स जो हैं हजरात, वो फ्रेश जो पास अभी हुए हैं, इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं, कोई भी अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कोर्स कर सकता है। ऑटो कैड में 2D 3D का कॉन्सेप्ट होता है। पहले आप 2D डायग्राम्स बनाते हैं, उसकी एलिवेशन, उसके वॉल स्ट्रक्चर्स वगैरह, बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह, फिर आप उसको एज अ 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर आप उसे प्रिंट आउट करके आप ऐसे किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बड़ी अच्छी मिल जाएंगी। लाइक हर कॉन्ट्रैक्टर जो भी प्रोजेक्ट बनाता है, लाइक वो किसी भी प्राइवेट इंटरप्राइज कंपनी से ताल्लुक रखता हो, लाइक बहरिया टाउन है, BHA है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत कंपनीज हैं जो इस वक्त बिल्डिंग डेवलपमेंट्स का काम कर रही हैं, तो उनको आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। बेसिक नीड है, जरूरत है, बोन है कि सिविल इंजीनियरिंग की आर्किटेक्चर का होना बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चर मुकम्मल तौर पर उनकी डायग्राम बना के उनको, यानी कि अगर एक बंदे ने 5 मरले का घर बनवाना है, एक बंदे ने 10 मरले का घर बनवाना है, एक ने 15 का बनवाना है, कनाल का बनवाना है, 7 मरले का बनवाना है, डबल स्टोरी बनवाना है, सिंगल स्टोरी बनवाना है, उसका कितना एरिया पोर्च का होना चाहिए, उसके डाइनिंग और ड्राइंग रूम का कितना होना चाहिए, उसके टीवी लॉन्च का कितना होना चाहिए, रूम्स की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, किचन का किस तरीके से होना चाहिए, स्टेयर्स किस तरीके से हमने बनानी है, पाउडर रूम या वॉशरूम फैसिलिटीज हमने किस तरीके से बनानी है, खिड़कियों की डायमेंशन किस तरह रखनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑटोकैड 2D 3D में समझाते हैं। हमारे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता चलो, तो आप मैट्रिक पास हैं, आप मिडिल पास हैं, कोई उम्र की कैद नहीं है, ठीक है जी, कोई एजुकेशन की पाबंदी नहीं है, फ्रेश पास हुए स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकते हैं कोर्स को करने के लिए। और इसके फायदे ये हैं कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, एज अ स्किल बेस आपकी जॉब भी अच्छी बनती है, और आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर हम टोटली प्रैक्टिकल करवाते हैं, थ्योरेटिकल का कॉन्सेप्ट हमारा कोई नहीं है। अलग अलग कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर पड़े हुए हैं हमारे पास, कंप्यूटर लैब्स भी 1 से ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग उनको अकोमोडेट करते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर करवाते हैं, और माशाल्लाह से हमारे पास जो टीचर्स हैं और वो भी वेल एक्सपीरियंस और वेल एजुकेटेड हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इमेच्योर या मैट्रिक का ही